आओ गांव चले श्रृंखला में, आज हम आपको जानकारी देंगे झाझड़ गांव की। झाझड़ गांव झुंझुनू जिले में नवलगढ़ कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। झाझड़ गांव में प्रवेश करते ही सेठों की बड़ी बड़ी और भव्य हवेलियां देखकर आपको आभास होगा कि आप एक हेरिटेज गांव में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें, शेखावाटी प्रदेश पर और शेखावाटी के संस्थापक राव शेखा जी पर सबसे पहले इतिहास की प्रामाणिक पुस्तक लिखने वाले इतिहासकार और राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय ठाकुर सुरजन सिंह जी शेखावत इसी झाझड़ गांव के रहने वाले थे। झाझड़ गांव का नामकरण यहाँ झाझड़ा पत्थर निकलने की वजह से पड़ा और यहाँ से निकले कई जातियों के लोग गांव के नाम पर झाझड़िया कहलाते हैं। झाझड़ गांव कम से कम 450 साल पुराना गांव है। पुरुषोत्तम सिंह जी के पुत्र पृथ्वी सिंह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये गांव की बसावट की। झाझड़ा पत्थर निकलता था, इसके लिए गांव का नाम झाझड़ है। और यहाँ से निकले हुए जो जाट हैं वो झाझड़िया कहलाते हैं। यहाँ से बनिए निकले हैं वो भी झाझड़िया बनिया कहलाते हैं। झाझड़ गांव हालांकि पूर्व में बसा था, पर इस गांव को उदयपुर वाटी के शासक टोडरमल जी के वंशजों ने आबाद किया। पुरुषोत्तम सिंह जी टोडरमल जी के बड़े पुत्र थे। टोडरमल जी उदयपुर वाटी के शासक थे, 45 गांव उनके अधिकार में थे। पुरुषोत्तम सिंह जी को छोटी उम्र के अंदर उनकी डेथ हो गई, तो उनके बड़े जो बेटे थे पृथ्वी सिंह जी, वो पृथ्वी सिंह जी यहाँ आए और उन्होंने ये गांव को बसाया। उस समय मोकावतों की कोठड़ी हुआ करती थी और एक दो जाटों के घर थे। उन्होंने बाद में यहाँ पे अपने साथ में ब्राह्मण बनिए खाती कुम्हार मतलब जो भी एक लवाजमा होता था उस ज़माने का, उसके हिसाब से उन्होंने सबको यहाँ बसाया और ज़मीनें दी। मालियों को बसाया, मालियों को बसा के उनकी खेती की ज़मीनें दी। गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां बनी है जिनमें की गई फ्रेस्को पेंटिंग देखने लायक है। हालांकि इन हवेलियों के मालिक सेठ लोग देश की आज़ादी के बाद व्यापार के तौर तरीके बदल जाने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बस गए और ज़्यादातर हवेलियां सूनी पड़ी है। गांव के सेठों ने गांव के विकास में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। झाझड़िया सेठ थे, वो प्रसिद्ध सेठ थे। उन्होंने यहाँ पे धर्मशाला बनाई है, कुएं बनवाए हैं। दूसरे छाजूराम जी सेठ थे, उन्होंने सबसे पहले मिडिल स्कूल यहाँ बनवाई। मिडिल स्कूल शायद वो मेरे हिसाब से 50 के पहले की स्कूल थी और उस ज़माने में आसपास कहीं मिडिल स्कूल नहीं हुआ करती थी, यहीं मिडिल स्कूल थी। आजू बाजू के गाँव के लोग भी यहीं पढ़ने आते थे। गांव के महाजनों के साथ यहाँ के राजपूत समाज के धूड़ सिंह जी भी बड़े व्यापारी हैं। राजपूतों में धूड़ सिंह जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हुए, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शेखावटी के अंदर उनका बड़ा नाम था और बॉम्बे के अंदर एक ज़माने में ऐसा था कि वो जब चांदी के अंदर खरीदारी करना शुरू होते थे तो मार्केट बढ़ जाता था, उनका इतना प्रभाव था। जैसा नवलगढ़ के हमारे शेख सरिया जी हैं वो कॉटन किंग माने जाते थे, वैसे ही धूड़ सिंह जी का चांदी के बिजनेस में बहुत नाम था। व्यापार के साथ इस गांव के कई लोगों ने सरकारी व निजी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिनकी सूची इतनी बड़ी है कि सबके नाम नहीं बताए जा सकते। अभी बैरुवास भी हमारे गांव का ही हिस्सा है। एक्चुअली एक पाना बैरुवास है, वहाँ पे विक्रम सिंह है, वो ब्रिगेडियर बने अभी थोड़े दिन पहले। हाँ, आर आर गुप्ता एक IAS ऑफिसर थे जो काफ़ी फेमस थे, बड़े ईमानदार आदमी रहे हैं वो। गांव में शिक्षा के लिए विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल बने हैं। शिक्षा के लिए यहाँ मिडिल स्कूल तो बहुत पुरानी थी, उसके बाद में हायर सेकेंडरी बनी सन 72-73 के आसपास सेकेंडरी स्कूल हो गई थी। अभी तो गांव के अंदर 4-5 स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, देन लड़कियों के स्कूल हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल है जो है CSC है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार और इतिहासकार स्वर्गीय ठाकुर सुरजन सिंह जी शेखावत इसी गांव के थे। सुरजन सिंह जी मेरे पिताजी थे, वो खरवा में पहले राव गोपाल सिंह जी के साथ रहे जो क्रांतिकारी थे, उसके बाद में उन्होंने खरवा संस्थान के दीवान के पद पे रहे और उन्होंने बाद में यहाँ आने के बाद में अपना लिखना तो उन्होंने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था। जब पत्रिकाओं में लेख लिखते थे उस ज़माने की मरु भारती वगैरह पत्रिवार्ता आदि पत्रिकाओं लिखते थे और
उसके बाद में उन्होंने किताबें लिखी। राव शेखा सबसे पहले उनकी ग्रंथ प्रकाशित हुआ और शेखा जी के ऊपर वो आज भी ऑथेंटिक माना जाता है। जो भी लोग कोट करते हैं उसी ग्रंथ के कोट करते हैं शेखा जी के बारे में। उसके बाद में उन्होंने कम से कम 10-12 किताबें लिखी हैं और सारी किताबें बहुत ही प्रमाणिक हैं। उन्होंने कभी भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं लिखी। जब तक उनको उसके कोई आधार नहीं मिला तब तक उन्होंने कोई चीज़ें लिखी नहीं। तो ये थी झाझड़ गांव की संक्षिप्त जानकारी। हो सकता है कुछ जानकारियां छूट गई हो जिसे गांव वाले महत्वपूर्ण मानते हों, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि झाझड़ गांव पर भविष्य में बनने वाले दूसरे वीडियो में वो जानकारियां जोड़ी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।